घुमारवीं में आयोजित प्रदेश स्तरीय 78वां चार डोगरा बटालियन का स्थापना दिवस बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कैप्टन दिलीप सिंह के द्वारा की गई। हिमाचल प्रदेश के ऊना, मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा, शिमला व अन्य जिलों के आए हुए पूर्व सैनिकों ने इस स्थापना दिवस में भाग लिया। कैप्टन दिलीप सिंह ने आए हुए सभी पूर्व सैनिकों को संबोधित करते हुए यूनिट का इतिहास बताया और कहा कि सैनिकों की जब भी देश को जरूरत पड़ी है तो अपने प्राणों की आहुति दे दी है। जब भी देश का युद्ध हुआ है तो सैनिकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और दुश्मनों को चने चबाने पर मजबूर कर दिया है। हमारे सैनिक दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम हैं और निडर हैं। इस मौके पर कैप्टन बाबूराम, कैप्टन अशोक कुमार, कैप्टन रतन सिंह, कैप्टन सुनील कुमार, सूबेदार अमीचंद, सूबेदार प्रकाश चंद आदि मौजूद रहे। आज डोगरा रेजिमेंट की फोर डोगरा ने अपना 78वां स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया। फोर डोगरा ने अनेकों युद्धों में 1962, 1965, 1971 के युद्धों में अहम भूमिका निभाई और फोर डोगरा को बहुत सारे युद्ध पदकों से इनके सैनिकों को सम्मानित किया गया, जो कि एक और सारी बात है। आज घुमारवीं MU4 होटल में फोर डोगरा के जवानों ने कैप्टन दिलीप सिंह की अध्यक्षता में अपना स्थापना दिवस मनाया, जो कि एक इतिहास में गवाह है। इस स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर प्रदेश के हर कोने से अब पूर्व सैनिकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई, जो कि गौरवशाली की बात है। जय हिंद, जय भारत।